नमस्कार साथियों साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव गोयला में। बहुत ही जागरूक और संपन्न किसान हैं, हर प्रकार के पशुओं का शौक रखते हैं। अब पहुंचे हैं उनके पास में, एक से एक बढ़कर उनके पास पशु है। ये स्वागत कर रहे हैं पहले ही देखियो। और कुछ भाई भी यहां पर मौजूद हैं और इनका परिचय लेते हैं पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार थोड़ा सा। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम जी? राकेश कुमार। गाँव गोयला, जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा जी। तो जी अब देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इधर से। ये आपके पास जो बैल हैं, हाँ जी, ये आपके शौक वास्ते रखे हैं आपने, कैसे खेती के काम में ले रहे, किस प्रकार है जी? सामने आ जाओ जी एक बार। अजी शौक भी कर ले रहे, अपनी खेती भी कर रहे। अच्छा जी। हाँ। तो नागौरी नस्ल के बैल हैं ये? नागौरी के। नागौरी नस्ल। देखें भाइयों, नागौरी नस्ल जो होती है बहुत ही चंचल नस्ल होती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारी परंपरा थी, बैल गाड़ी होती थी, लंबी दूरी जो तय करते थे ये बैल करते थे। ये उसी प्रकार की नस्ल है, देखिए नागौरी, चंचलता काफ़ी चंचल बैल हैं। और जो हरियाणी नस्ल का बैल होता है वो बलिष्ठ होता है, किसान के काम में ज़्यादा सहयोग वही करता है, और ये काफ़ी चंचल बैल होते हैं। अब आगे देखते हैं, तो बैलों की जुताई करते हो जी, जैसे बैलों से जुताई करते हो आप गन्ने की? हाँ जी। तो एक समय में कितनी जुताई करते हैं जी ये? हाँ जी, 20 बीघे की, 25 बीघे की, सुबह तक 10-11 बजे लो। अच्छा जी। हाँ, काफ़ी चाल है बैलों में। हाँ जी। बहुत अच्छे जी। तो देखे भाइयों, अब आगे देखते हैं, इनके पास एक लवारा तैयार है। इस लवारे के बारे में बताओ जी, दंतों में कैसे है? 14 है। देखो भाइयों, 14 महीने का लवारा है, माथे पर टिक्का है, काफ़ी शांत स्वभाव का नजर आ रहा है, या वैसे खड़ा जी? और इधर हमारे कुछ भाई हैं, अब इनसे मिलते हैं। तो ये देखें, इधर कुछ शौकीन भाई खड़े, और पशुओं का शौक काफ़ी है आज के समय में, जबकि किसान जो हैं पशुओं से थोड़ा दूरी बनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं इस प्रकार नहीं रही, पशुपालन काफ़ी महंगा होता जा रहा है। उसके बावजूद ये देखें, यहाँ पर इनके पास काफ़ी पशु हैं, एक से एक शानदार नस्ल की भैंस है। और अब इधर देखते हैं, ये जो लवारा है भाई, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहे। तो भाइयों, ये जो करडा है ये एक टूर्नामेंट में भाग भी चुका है, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने अंकल जी से लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो टूर्नामेंट में कितनी लंबी दूरी थी? 300 मीटर की। 300 मीटर में छोड़ा था जी। हाँ जी। कितना समय हो चुका है जी? दूसरे पोजीशन पे। अच्छा, सेकंड पोजीशन रही करडे की। हाँ जी। ये देखा, काफी आक्रामक स्वभाव बैल का, दूसरा नंबर रहा था जी इस करडे का 300 मीटर दूरी में। फिलहाल तो शांत स्वभाव का, 26-97 का टाइम रहा था करडे का, काफी शानदार करडा है। और अब आपको एक भैंस दिखाते हैं जी, ये देखें, एक मिनी भैंस है। ये देखिए, आपने अभी तक इस प्रकार की मिनी भैंस नहीं देखी होगी। ये देखें सींगों की लंबाई, ज़्यादातर ऐसा होता है सींग जो है बिल्कुल फेस से मिलकर नीचे को आते हैं, लेकिन ये खुले सींग है, इधर से भी देखिए दूसरा सींग। और इसकी दूध कैपेसिटी के बारे में भी जानते हैं, आ जाइए जी एक बार। हाँ जी। तो ये जो आपकी मिनी भैंस है, हाँ जी, कितनी बार ब्याह चुकी है जी? इनका 8वां ब्याह होगी जी। 8 बार? हाँ जी। लेकिन देखें शरीर से, देखें बिल्कुल इस प्रकार नजर आ रही है कि ये शायद 3 बार या 2 बार ब्याह होगी। हाँ जी। कद कट्ठी काफी मजबूत है। और दूध कैपेसिटी कितनी है जी भैंस की? दूध दे दीजिए 15 लीटर। 15 लीटर। हाँ। और फिलहाल दूध दे रही, ड्राई में चल रही जी? बस तो 1.5 किलो दे रहा, बैठन वाली हो रही। अच्छा जी, बहुत अच्छे जी। तो बहुत ही शौकीन है, हर प्रकार के पशु है इनके पास। ये देखें इधर, ये करडी खड़ी और भैंसे हैं, और पल्ली साइड में भी काफी पशु इनके यहाँ पे खड़े हैं। और सबसे ज्यादा जो देखने योग्य है इनके यहाँ पर, ये नागौरी नस्ल के बैल हैं, क्योंकि अभी समय जो है बिल्कुल ठाली चल रहा है, काम इन पर अभी कोई है नहीं, और मौसम भी ऐसी है, तो अपने पूरी उमंग में फिलहाल उत्साह में बैल नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए नजदीक से अब आपको भैंस के सींग दिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार के सींग पोजीशन इस भैंस की है। तो साथियों,
जो भाई चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भाई कुछ कहना चाहते हैं वीडियो में कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। अगर कुछ कमी रह गई हो वीडियो में उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।